माँ गायत्री इंस्टीट्यूट MGI परिवार के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन MGI कैंपस में किया गया। शिविर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव, संस्था निदेशक अनुज यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में युवक ही नहीं बल्कि युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर के दौरान MGI इंस्टीट्यूट के संस्था निदेशक अनुज यादव ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मानव रक्त का उत्पादन किसी भी मशीन से संभव नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर खून की आपूर्ति मानव के रक्त से ही संभव है। ऐसे में जरूरी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि आपात स्थिति में भी वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सके। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव ने MGI संस्था के निदेशक अनुज यादव के प्रयासों की सराहना की। साथ ही अन्य समाज सेवी संस्थाओं से भी आह्वान किया कि ऐसे रक्तदान शिविर ज्यादा से ज्यादा चलाएं ताकि जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। रक्तदान शिविर में करीब 578 रक्त यूनिट एकत्रित किया गया। वहीं संस्था निदेशक अनुज यादव ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं हेलमेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान काफी संख्याओं में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान के प्रति युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। रक्तदान शिविर में दुशाद ब्लड बैंक की ओर से सेवाएं दी गई। निदेशक MGI इंस्टीट्यूट में गए थे, इंस्टीट्यूट का निदेशक और MGI के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि युवाओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और जो ये रक्त की जो यूनिट है ये किसी अमूल्य जीवन को बचाने का कार्य करेगी और आने वाले भविष्य में भी हम ऐसे सामाजिक सरोकारों में आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही जितने भी प्यारे विद्यार्थियों ने, मित्रों ने इस ब्लड डोनेशन का हिस्सा लिया या बने हैं और जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और इस माध्यम से मैं आपको ये भी कहा, सर आप उत्साह आप स्वयं भी देख सकते हो कि भारी भरकम उत्साह है और लगभग जैसे कि सूचना मिली है लगभग 170 प्लस यूनिट एकत्रित हो चुकी है, जिसमें कि मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जिस प्रकार से ये संस्थान आपका जिस प्रकार से सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों में सिलेक्शन देता है, उसी प्रकार से सामाजिक सरोकारों के भी अंदर अग्रणी रहता है। ये तीसरा रक्तदान शिविर हमारे द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है और इसमें इन सभी युवाओं की भागीदारी बहुत ही सराहनीय कदम है। अंदर एक सड़क सुरक्षा के तहत हम एक हेलमेट भी प्यारे रक्तदाताओं को दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके और दूसरों को भी ये मैसेज दे सके किसी हेलमेट लगाने से अपन जिंदगी को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। कितने यहाँ पर बच्चे युवा इसमें बच्चे के ले रहे हैं और कितने रक्त यूनिट एकत्रित हो चुका है? सर लगभग हमारा ये है कि इसमें टारगेट जो है, अब की बार हमने पिछली बार 373 यूनिट एकत्रित की थी और इस बार हमने लगभग ये टारगेट बनाया कि 400 प्लस रक्त यूनिट एकत्रित करने का हमारा जो टारगेट है वो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं में जोश है इस प्रकार से कहीं पर भी बेड खाली दिख नहीं रहा। ये बड़ा ही आज सौभाग्य का विषय है कि चौमू विधानसभा में विगत कई वर्षों से शिक्षा की एक अंगूठी पहल और विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन ले जाने वाले MGI इंस्टीट्यूट के 5 वर्ष सफलता के पूर्ण होने पर इन्होंने विगत 3 वर्षों से निरंतर एक सामाजिक सरोकार को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यहाँ आने के बाद हम सब लोगों को व्यतीत हो रहा है कि कैसा वातावरण हम सब लोगों के सामने व्यतीत हो रहा है कि प्रत्येक जो युवा, उसमें चाहे हमारी छोटी बहनें हों या भाई हों, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और MGI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर अनुज जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और बधाई दूंगा कि इन्होंने एक अच्छा सामाजिक सरोकार का कार्य रक्तदान शिविर कराकर, क्योंकि रक्तदान महादान है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक बार आवश्यक करना चाहिए, इस कार्य के लिए अच्छा कार्य किया है इन्होंने, इसके लिए इन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।